दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि अभी के समय विनोद एक नाम जो कि बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है। दोस्तों, विनोद के पीछे असल रीज़न क्या है, यहाँ पर सच बात क्या है कि विनोद असल में है क्या, इसके क्या मकसद है, मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 100% सच बात क्या है विनोद के पीछे जो कि इतना ज़्यादा वायरल चल रहा है। अगर आप इसके बारे में सच जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 101% सच ही बताऊंगा विनोद के बारे में। पॉइंट नंबर वन, विनोद एक इंसान का नाम है। वो बंदा क्या कर रहा था, यूट्यूब में वीडियो देख रहा था। हाँ, अभी मैं जो भी कुछ बताऊंगा ये 101% सच है और यही कुछ काम हुआ था और जिसकी वजह से अभी के समय बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है विनोद। देखिए, विनोद एक इंसान का नाम है और वो बंदा यूट्यूब में वीडियो देख रहा था और वीडियो देखते देखते उसको अचानक से दिमाग में आ गया कुछ कमेंट करना, तो उसका नाम कमेंट कर दिया। बस इसका मकसद इतना ही, इसके आगे कुछ भी नहीं है। जब वो बंदा वीडियो देख रहा था, देखते देखते अचानक से उसको कुछ कॉमेंट करना मन किया तो उसने अपना नाम कॉमेंट कर दिया। बस यहीं पर खेल ख़त्म। देखिए, इसके बारे में जितना भी मैं आप लोगों को बताऊंगा उतना ही बकवास होगा, जितना बताऊंगा उतना ही बकवास होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आप लोगों को इसको और भी अच्छी तरह बारीकी से समझाने के लिए एग्जांपल देके समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। जब एक पेन खरीदते हैं, सिंपल सी भाषा, जब पेन खरीदते हैं, नया नया जो पेन होता है उससे हम लोग अच्छी तरह नहीं लिख पाते हैं। नया पेन जब प्रॉब्लम देते हैं तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या करते हैं, इसे ही कुछ लिख देते हैं, या फिर अपना नाम लिखते हैं, या फिर मोबाइल नंबर लिखते हैं, या फिर अपना सिग्नेचर करते हैं। तो ये सब लिखते हैं जो अपने मन में आते हैं, जो अपने दिमाग में सबसे पहले आ जाते हैं वही लिख देते हैं। अब कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को यही लिखना होगा, सिर्फ पेन ठीक करना है, पेन को सिर्फ चालू करना है। तो उसके दिमाग में आ गया नाम लिखना, तो नाम लिख दिया। उसके दिमाग में आया सिग्नेचर करना, सिग्नेचर कर दिया। या फिर कुछ भी नहीं आया तो ऐसे ही कुछ लिखा। तो सेम कंडीशन उसके साथ भी, विनोद एक इंसान का नाम है और वो बंदा यूट्यूब में वीडियो देख रहा था और वीडियो देखते देखते अचानक से उसको मन किया कुछ कमेंट करो, तो उसने कुछ कमेंट कर दिया, अपना नाम लिख दिया कमेंट सेक्शन में। जैसे कि हम लोग कमेंट करते हैं, भाई आपके वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, या फिर आपके वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ मैं, आपकी वीडियो हर रोज़ देखता हूँ मैं। तो ये सब जो कमेंट करता हूँ इसके पीछे कुछ रीज़न होता है, उसकी वीडियो अच्छा लगता है और इसी वजह से मैंने कॉमेंट किया कि आपकी वीडियो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन गाइस, विनोद ये बंदा जो यूट्यूब वीडियो देखते देखते जो कॉमेंट किया, इसके पीछे कुछ भी रीज़न नहीं था, उसको कुछ उस कॉमेंट का कुछ भी मकसद नहीं था, ऐसे ही उसके दिमाग में आया तो कमेंट कर दिया। बस यहाँ पर खेल ख़त्म। अभी बात आ जाते हैं, ये चीज़ इतना ज़्यादा वायरल क्यों हुआ। देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है, सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है, लोग जितना उसको रिएक्ट करते हैं, जितना उसको रोस्ट करते हैं, उतने ही ज़्यादा वायरल चलता है वो चीज़। तो फ्रेंड्स, मैं अभी ऐसा करता हूँ, जो भी कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश किया था, सभी कुछ मैं आप लोगों को सही सलामत समझा पाया। फिर से कुछ कन्फ्यूजन है या फिर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे सर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।